अपना मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते बेटा दुनिया मिलने आती है फिल्म से, लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा वो भागता ही रहेगा सारी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडू बन को भी कबूल कर। यू शुड बी अ प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को, उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को दे, किससे लगाई थी। लोग ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर तभी नहीं रो सकता लोगों के आगे, पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रो नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वॉन्ट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा, और खौफ को एक तहरीर और तकरीर बख्श के जा। अपने आप को एक खिताब बख्श के जा। अपने अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ खड़ा कर। लोग ये लोग कभी भी नहीं होंगे। लोगों को संभालना सीख, फिर चलाना सीख, फिर इनको पालना सीख, और फिर अपने लिए इनके लिए कटना मरना सीख। एंड में जिंदगी एडवेंचर से भरी होनी चाहिए। आगे जाके मरने से अच्छा है आज मर जाए आदमी, वरना जिए तो अनडिफाइंड जिए। चाहे दुश्मन भी डिफाइंड ना हो, दोस्त भी डिफाइंड ना हो, लोग भी डिफाइंड ना हो, इलाका भी डिफाइंड ना हो, चीर के रख दे अपने अंदर के मिजाज को। इतना बड़ा हो जा कि कायनात जम हो जाए तेरे सीने के अंदर। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू गोना फेस योरसेल्फ। जब तू मानेगा अपने आप को, जब मनवाएगा अपने आप को। बी द मैन। वो बन, मिसाल देना बंद कर लोगों की, खुद एक मिसाल बन। मिसाल देना बंद कर, फलां ने ये किया फलां ने ये किया। खामोशियां अपना, गुमनाम हो जा, चला जा स्क्रीन के ऊपर से, हट जा, छोड़ दे इन रंगीनियों को, लीव द क्राउड, निकल जा अपने रास्ते के ऊपर। कुछ नहीं होता। आए जो गुमनामी अपनाते हैं, नाम भी उम्मीद मिलता है अल्लाह की तरफ से। छोड़ दा ये लोगों में फिट इन होना, छोड़, स्टॉप बीइंग इन द सोशल कंफॉर्मिटी ऑफ द पीपल। निकल जा अपने रास्ते के ऊपर, जा बर्बाद कर अपने आप को, आबादियां भी तेरे हाथ से लिखवाएगा। क्या कहा था खालिद बिन वलीद ने रूमियों को जाके, दो इतनी बड़ी सल्तनत बच्चों, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है एक मुसलमान शेर के सामने। तो उन्होंने बोला खालिद बिन वलीद को, क्या करने आए हो यहां, क्या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल तारीखी जुमले हैं खालिद बिन वलीद, और हमारा बच्चा घबरा जाए जिंदगी में, छोटी छोटी बातें करे। अरे बड़ी बात करेगा तो बड़े खाब देखेगा ना। खालिद बिन वलीद सेड टू द रोमन एम्परर, हमने सुना है रूमियों का खून बहुत मीठा है, हमें खून पीने की आदत है, सुना है तुम्हारा खून बहुत मीठा है। वाओ। अपने दर्द के अंदर डूब, खुद एक दर्द को एक दर्द बख्श दे, दर्द को एक दर्द दे जा दुनिया में बेटा। वो जिगर कलेजा ही खत्म हो गया है अपने आप को घर करने का, फील्ड में अपने आप को बर्बाद करने, अपने कन्वीनियंस जोन्स की तबाही फेर देने का, अपने कंफर्ट जोन्स की तबाही फेर देने का। काटे लगा देना अपनी जात के, बारे मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं इस फील्ड को एक नवाब बख्श जाऊंगा, मैं अपनी फील्ड को एक मिजाज बख्श जाऊंगा, मैं इस फील्ड की तारीख को एक तारीख बख्श जाऊंगा, धर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा। यह मिजाज होता है। यह सारे का ताल्लुक मैथ इज नॉट विद मैथमेटिक्स। ये मैथ नहीं करा सकती पुत्र, ये कलेजा कराता है आदमी का जिगर, द हार्ट, द मैन इनसाइड यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, खुदी, द वर्ड शनासाई। जब तू अपने आप को जानता ही नहीं है, जब तूने खोता सा होके जानना ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूं, और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन में बच्चा बैठा हुआ है, क्योंकि मैं इस इलाके में पैदा हुआ तो मैं यही मरूंगा या मरूंगी, वाय, क्योंकि मुझे बरादरियां डिफाइन करेंगी, क्योंकि मुझे इलाके लिमिट करेंगे, क्योंकि मैं मलक हूं, राई हूं, मुगल हूं, राणा हूं, या बट हूं, या कश्मीरी हूं। दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन माय लाइफ। हेलो,
मैं पंजाबी हूं, बस यही मर जाऊंगा, मैं जाए नहीं। डाइवर्सिटी इंक्लूजन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और बेटा तूने तो रियासतें बनानी है आगे, तू पंजाबी कैसे रह सकता है? तूने तो पूरी दुनिया खानी है। कायनात को एक कायनात बख्शने के लिए, कतरे को वो समंदर बख्शने के लिए, किसी फलसफे को एक जिस्म बख्शने के लिए पुत्र तुझे खुद एक समंदर और कायनात बनना है, उसमें तू ये बायस्ड कैसे हो सकता? सो इट्स ऑल अबाउट द हार्ट एंड द स्किल सेट, बट इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। जिगर बड़ा होगा, हुनर खुद तेरे कदमों में होगा। हुनर सीखते ही एक जिगर वाला है। रट्टा तोते में और स्किल में फर्क होता है बच्चे। स्किल तो एक आग है, स्किल तो एक रिस्क है इंसान, स्किल तो एक अटेम्प्ट है एक ड्रीमर की एक ख्वाब देखने वाली, स्किल तो एक बगावत नहीं कि मैं एक कदम और आगे, पॉजिटिविटी, एक कदम और आगे थ्रेटिक्स, एक कदम और आगे जो है मैं इससे भी दो कदम आगे दूं, मगर उसूलों के, बगावत भी उसूलों के साथ हो तो कुछ इंकलाब पैदा करती है। बेढंगी बगावतें जो होती है ना, ये कुछ नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। जो लोग अपने आप को नहीं जानते, अपने मिजाज को नहीं जानते, अपने रोने नहीं जानते, अपना दर्द नहीं जानते, अपना माजी नहीं जानते, उसके साथ हुई भी अंदर इंची बीची निटी ग्रिटीज में जो इमोशनल पोषण बर्बाद है नहीं जानते, जो इंटेलेक्चुअल पोषण बर्बाद है नहीं जानते, जो अकायद नहीं जानते, जो नजरियात नहीं जानते, जो एहसासात नहीं जानते, जो जज्बात नहीं जानते, जो उम्मीद नहीं जानते, जो खौफ नहीं जानते, आगे जब फील्ड के अंदर प्रेशर आएगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर दुश्मन आएगा ना, आगे जब फील्ड में सबर का मकाम होगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्पेंसेशन होंगी ना, आगे फील्ड में नहीं जिंदगी के अंदर किसी भी फैसेट के अंदर जब स्टेशन रुकेगा, ब्लॉक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होगी, तब इंसान की अपने आप से मुलाकात, हकीकत को जानना, अफसानों से आजादी, अपनी सेल्फ मेंटोरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट होती है जो एक पट्टा खड़ा कर सकती है। लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज। जितने तेरे हालात तंग होंगे उतना बड़ा इंकलाब तू खड़ा कर सकता है। हालात साजगार हो ना, कौमें माठी हो जाती, कौमें माठी तब होती हैं जब उनके हालात लैट होते। अल्लाह भी कहता है वाइदा मसल इंसान जरूर दान अली जम्बी फायदा, जब इसको तकलीफ देता ना फिर ये आता है लाइन पर लेट के बैठ के खड़ा हो। फलम्मा कशफ नान हो जर्रा हो, जब तकलीफ हटाते हैं रिलैक्स करते हैं कौम को, मर रहा कहना ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी याद ही नहीं किया। ये एटीट्यूड है इंसान। बुरे हालात अलर्ट्स ऑन करते हैं, बुरे हालात अपॉर्चुनिटी होती हैं टिकने के। अभी इस इकोनॉमिक रिसेशन में जो ताजर भाग गया, फील्ड छोड़ के पाकिस्तान से चला गया, सैचुरेशन चैप्टर 11 फाइल कर दिया, अभी कुछ ही अरसे के बाद आगे बहुत कुछ पड़ा होगा, देन इज ऑफ द लिमिट, ही इज ऑफ द गेम। दिल जिगर चाहिए टिकने के, रिस्क लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेशर्स में सस्टेन करने के लिए, यू नीड हार्ट, अला वही अलकल, दिल चाहिए इंसान। और ये सब तब होता है जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने पोटेंशियल को जानता हो, जब इंसान अपने अंदर रोज मुहासबा करता हो, अपने नफ्स को हर वक्त टटोलता हो कि मैं चीज क्या हूं, लोगों में फिट इन होने वाला शख्स हूं, अपने आप से मिला हुआ शख्स हूं, डाउट्स में, डिजायर्स में, शहवत में, शुभात और शकूक में डूबा हुआ, उम्मीदें किससे लगाई हुई है, खौफ किससे लगाया हुआ है, इन्फैक्चुएशंस कहां से आ रही है, लस्ट कहां से आ रही है, ये सारी चीजों को जाने बगैर और इसको एक ऑर्डर में लाए बगैर होना नहीं आगे का, यही मरवाएंगे आपको। टू होल्ड एंड टू कंटेन, टू डाइवर्स एंड टू मेंटेन द हार्ट, बच्चों जगह चाहिए इंसान को टिकने। सब यूं जा रहे हैं, यूं जाने के लिए अपने आप से मुलाकात कर लिया, झूठ से मुलाकात कर लिया, सच से मुलाकात कर और अपने रब से मुलाकात कर लिया, फिर जब फील्ड में उतरेंगे ना आप, और ये असला